अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइलम पोरिफेरा को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं फाइलम पोरिफेरा को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा एंड टाइप्स एंड क्लासेज ऑफ पोरिफेरा की आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा की। दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। फाइलम पोरिफेरा जो हैं उनको हम कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ पोर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। दे आर लिविंग मैमल एनिमल्स विच इंक्लूड्स अबाउट 5000 स्पीशीज़। ये एक लिविंग एनिमल है जिसकी 5000 स्पीशीज़ जो हैं इस वर्ल्ड में अभी मौजूद हैं। एंड दे आर यूजली कॉल्ड स्पंजीज। फाइलम पोरिफेरा में जो एनिमल्स आते हैं उनको हम यूजुअली कहते हैं स्पंजीज। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया थ्रू विच द वाटर इंटर्स द बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है उसके पास हज़ारों पोर्स मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर इनके बॉडी के अंदर दाखिल होता है। इसी के बरक्स एक और इनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्क्यूला। ये भी पोर्स होते हैं जो कि वाटर को बॉडी से लीव करवाते हैं। ऑस्टिया हेल्प्स करते हैं वाटर को इंटर करने में और ऑस्क्यूला जो है वो हेल्प करते हैं वाटर को बॉडी से लीव करने में। अब हम स्पंजीज की बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पंजीज आर एसिमेट्रिकल सेसाइल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ देम आर मरीन। स्पंजीज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि एसिमेट्रिकल क्या होते हैं। एसिमेट्रिकल वो होते हैं जिनके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती, उनका कोई भी ओवरऑल शेप मौजूद नहीं होता, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ये सेसाइल होते हैं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर फिक्स होकर गुजारते हैं। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं जबकि कुछ जो है मेरीन वाटर में रहते हैं। अब फाइलम पोरिफेरा जो है ये सबसे अर्लीस्ट और सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स थे, इसीलिए इनके पास कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थे। लेकिन जब हम आगे के फाइलम्स को पढ़ेंगे उनमें जो है आहिस्ता एडवांस स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएंगे। तो स्पंजीज जो हैं वो लैक करते हैं माउथ को, इंटेस्टाइन को, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम। ये जो है सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है, इसीलिए इनके पास कोई भी ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जैसे कि ना माउथ मौजूद है, ना इंटेस्टाइन मौजूद है, ना रेस्पिरेटरी, ना एक्सक्रीटरी और ना ही नर्वस सिस्टम इनके पास मौजूद होता है। अब सवाल ये आता है कि ये किस तरह से अपनी प्रोसेस जो इनकी बॉडी में चल रहा होता है उसको कैसे अंजाम देते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो डिफ्यूज आउट होते हैं इनकी बॉडी से थ्रू ऑस्क्यूला। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ऑस्क्यूला जो होते हैं वो वाटर को बॉडी से लीव करवाते हैं। इसी तरह ऑस्क्यूला का एक और काम होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से डिफ्यूज़ आउट करवाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डिफ्यूज़ आउट होते हैं बॉडी से वो भी कौन करवाता है, वो भी ऑस्क्यूला करवाता है। देयर बॉडी हैज़ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स एंड कोनेकोसाइट्स विच फॉर्म द इनर होलो कैविटी कॉल्ड स्पंजोसी। स्पंजीज की जो बॉडी होती है उनके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जैसे कि पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स जो इनके पोर्स बनाते हैं इनकी बॉडी में जो मौजूद होते हैं, एंड कोनेकोसाइट्स जो कि इनकी इनर होलो कैविटी को बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पंजोसील। अब हम बात करते हैं फाइलम पोरिफेरा की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ स्पंजीज मैंने आपको पहले बताया था, फाइलम पोरिफेरा को हम यूजुअली स्पंजीज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पंजीज की। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पंजीज की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड लीकॉन टाइप। अब वन बाय वन कर हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्कॉन टाइप की। एस्कॉन टाइप इज़ अ टाइप ऑफ स्पंज इन विच स्पंजोसील कैविटी इज़ नॉट डिवाइडेड। एस्कॉन टाइप जो है वो स्पंज की एक टाइप है जिसमें स्पंजोसील कैविटी जो कि कोनेकोसाइट की इनर होलो कैविटी से बन रही थी, इसकी स्पंजोसील जो होती है इसमें डिवाइड नहीं होती, इस टाइप को हम कहते हैं एस्कॉन टाइप। दूसरी टाइप जो है वो है साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पंज इन विच स्पंजोसील इज डिवाइडेड इंटू सेकेंडरी चैम्बर। साइकॉन टाइप जो है वो भी एक स्पंज की टाइप है जिसमें स्पंजोसील डिवाइडेड होती है सेकेंडरी चैम्बर्स के अंदर। तो ये फ़र्क है एस्कॉन टाइप में और साइकॉन टाइप में। अब हम बात करने जा रहे हैं आखिरी टाइप स्पंज की, जिसे हम नाम देते हैं ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप इज़ अ टाइप इन विच स्पंजोसील कैविटी इज डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू सेकेंडरी चैम्बर्स एंड टर्शियरी चैम्बर्स। ल्यूकॉन टाइप जो है उसकी जो स्पंजोसील कैविटी होती है वो डिवाइडेड और रीडिवाइडेड होती है सेकेंडरी चैम्बर्स के अंदर भी और टर्शियरी चैम्बर्स के अंदर भी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लासेज ऑफ पोरिफेरा।
तो थ्री क्लासेज हैं बेसिकली पोरीफेरा की, जिसे हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के बिना पर हमने पोरीफेरा की तीन क्लासेस बनाई हैं। तो तीन क्लासेज जो पोरीफेरा की हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्लास कैल्केरिया, स्केलेटन इज निडल शेप, ईजी, एस्कॉन एंड साइकॉन। अब ये जो हमने तीन क्लासेस डिवाइड की हैं ये स्केलेटन के बेसिस पे की हैं। कैल्केरिया का जो स्केलेटन होता है वो निडल शेप्ड होता है, मतलब सुई की तरह होता है, बिल्कुल बारीक सा इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एस्कॉन और साइकॉन इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सेकेंड क्लास हमारे पास है क्लास हेक्सा कैटेनलिडा, यू प्लेक्टिला इसी क्लास के एग्जाम्पल है, ये एमसीक्यूज में बास्तर अक्सर दफ़ा पूछ लिया जाता है। क्लास डेमोस्पंजी, स्केलेटन इज प्रोटीनिशियस फाइबर्स, स्पंजिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्पंजी। जो लास्ट क्लास है पोरीफेरा की वो है डेमोस्पंजी, जिसका जो स्केलेटन है वो प्रोटीनिशियस फाइबर्स का बना हुआ होता है, और स्पंजिला जो है वो डेमोस्पंजी की एक एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।